अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का जो रिव्यू है वो कैनेक्स सुपीरियर फायर आर्म्स का हाई एंड पिस्टल है, SFX राइवल S फॉर स्टील। ये पिस्टल काफ़ी टाइम से पाकिस्तान में अवेटेड था और अल्हम्दुलिल्लाह ये फर्स्ट रिव्यू होगा कैनेक SFX राइवल स्टील का, जो पाकिस्तान में मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे पहले जो मैंने SFX राइवल लॉन्च हुई थी उसका भी पहला जो रिव्यू था वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया था। आज का रिव्यू काफ़ी टाइम के बाद है, उसका मैं आपसे रीज़न शेयर कर लूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना आउटलेट गन स्टोर लॉन्च कर रहा हूँ कराची में, और उसके अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी परमिशंस हो चुकी हैं और अब स्टोर की तैयारी है, जो कुछ अरसे में मैं आपसे गुड न्यूज़ शेयर करूँगा। तो इसकी वजह से रिव्यूज़ जो है वो काफ़ी लेट आ रहे हैं और टाइम नहीं मिल रहा था। सो रिव्यू आज का जो है वो कैनिक SFX राइवल S पर है, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और एक रिव्यू करेंगे। बहुत सुपीरियर पैकिंग के अंदर ये पिस्टल आया है, जैसे आप देख रहे हैं एक टॉप क्लास छोटा सा ब्रीफ केस टाइप इसका बॉक्स है और इसको हम ओपन करेंगे। ये दो इन्होंने बटन दिए हैं, इसको प्रेस करके इसके जो पॉलीमर लूप्स हैं ये ओपन होते हैं। हाई एंड पैकिंग है काफ़ी, आप देख सकते हैं कैनिक और कैनिक सुपीरियर फायर आर्म्स SFX राइवल, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसको जब हम रिमूव करते हैं तो इसके अंदर इसका जो मैनुअल है और कुछ चार्ट्स हैं, इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कैनिक राइवल S, SFX राइवल S स्टील, फुल स्टील फ्रेम पिस्टल है ये। और इसके अंदर दो वेरिएंट्स आए हैं, एक ये कलर है सिल्वर में और एक है इसका डार्क साइड कलर ब्लैक में है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, वो भी रखा है मेरे पास। सो रिव्यू स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। इसके साथ आते हैं दो 18 राउंड के मैगजीन्स, कैनिक के सारे पिस्टल्स में हाई एंड मैगजीन्स हैं मैगगेयर के, और ये 18 राउंड्स का मैगजीन है, दो मैगजीन्स हैं, ब्रांड न्यू पिस्टल है। पिस्टल की लुक ही आपको बता रही है कि बहुत ही हाई एंड और डिटेल डिजाइनिंग डिटेल इसके पेयर R&D हुई है इस पिस्टल पे, जो हम इसके फीचर्स शेयर करेंगे। टन्स ऑफ फीचर्स हैं पिस्टल, हम देख लें कि इसकी अनबॉक्सिंग में और क्या क्या है। एक्स्ट्रा बैक स्ट्रैप्स हैं इसके, दो एक्स्ट्रा बैक स्ट्रैप्स हैं, यू कैन यूज डिपेंडिंग ऑन योर पाम साइज। और ये एक छोटा सा पिस्टल है जिसके अंदर इसको ओपन करते हैं तो इसके एक्सेसरीज हैं, टूल्स वगैरह हैं। इसके साथ मैगवेल है, हाई एंड मैगवेल है, और ये अलग से इन्होंने दिया हुआ है जिसको हम अटैच करके देखेंगे कैसा लुक आता है, कैसी फील आती है। फिर मैगजीन में पॉलीमर बेस प्लेट है और अलग से इन्होंने दो स्टील बेस प्लेट्स दिए हैं, हाई एंड क्वालिटी। जब हम ये कवर रिमूव करते हैं ये आप देख सकते हैं क्वालिटी इसकी, इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं काफ़ी हाई क्वालिटी है। इसको जब हम रिमूव करते हैं तो इसके साथ इसकी एक्सेसरीज आ जाती हैं, क्लीनिंग ब्रश है, इसका स्क्रू ड्राइवर है, टूल, क्लीनिंग रॉड है, मैगजीन लोडर है, एक स्टार्टिंग इसका होल्स्टर है, बेल्ट होल्स्टर है। इसके साथ पांच ऑप्टिक प्लेट्स हैं डिपेंडिंग ऑन RMR और ऑप्टिक जो आप यूज करना चाहें। सो व्यूअर्स वापस आते हैं पिस्टल की तरफ, ब्रांड न्यू पिस्टल है ये, इसका मैगजीन एम्प्टी, बैरल्स का क्लीन है, ऑलरेडी ब्रांड न्यू पिस्टल है ये। सो व्यूअर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कैनिक राइवल S, ये फुल स्टील फ्रेम पिस्टल है और इसकी क्वालिटी ही बता रही है कि ये बहुत ही सुपर डिजाइंड, और इस पर जो R&D हुई हुई है काफ़ी डिटेल कैनिक ने इस पर काम किया है, जब हम इसके भी फीचर्स डिस्कस करेंगे। एक तो व्यूअर्स का कलर है ये क्रोम, और दूसरा कलर मैं आपको दिखा देता हूँ,
ये इसका दूसरा कलर है डार्क साइड, ब्लैक कलर, फुल ब्लैक में है, ये भी फुल स्टील है और ये फुल ब्लैक कलर है। तो आपकी चॉइस है कि आपको एक फुल क्रोम पिस्टल चाहिए है या ब्लैक, जिसको ये डार्क साइड बोलते हैं। दोनों पिस्टल्स के लुक्स अपनी जगह पे हैं, पर्सनल चॉइस है, जो भी आप पिस्टल लेना चाहें। क्वालिटी दिख रही है, बहुत ही हाई एंड क्वालिटी है, बहुत ही खूबसूरत अर्गोनॉमिक्स हैं पिस्टल के। दोनों कलर आप इस वक्त देख सकते हैं और श्योर चॉइस के जो भी आप लेना चाहें। सो व्यूअर्स, अब हम पिस्टल के स्पेक्स डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द स्लाइड। क्लोजअप में आपको दिखाता हूं, आप देख सकते हैं कि स्लाइड कट्स भी दिए हैं, सरेशंस भी दिए हैं, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन पिस्टल है कैनिक SFX राइवल S। बहुत ही खूबसूरती से इसको एम्बेड किया इस पे, शाइन आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत। सो व्यूअर्स, इसकी जो स्पेक्स हैं, पिस्टल की जो लेंथ है वो 8 इंचेस है और इसकी जो विड्थ है वो 1.41 इंचेस है, जैसे कि कैनिक की सारी पिस्टल्स की ऑलमोस्ट सेम विड्थ है 1.4 इंचेस। और इसकी जो हाइट है, फुल फ्रेम पिस्टल है, इसकी जो हाइट है वो 5.75 इंचेस है और इसका जो वेट है, हैवी पिस्टल है ये, 1185 ग्राम्स है, ऑलमोस्ट 1.2 kg का ये पिस्टल है, क्योंकि डिज़ाइन कॉम्पिटिशन पिस्टल है और इस हिसाब से फुल स्टील फ्रेम पिस्टल है, तो इसका जो वेट है वो 1185 ग्राम्स है, 2.6 पाउंड्स है। और दो मैगजीन इसके साथ आते हैं 18 राउंड्स के। स्लाइड पे फ्रंट पे फाइबर ऑप्टिक साइट लगी हुई है, डफटेल साइट है ये। और उसके बाद आप देख सकते हैं स्लाइड पे स्लाइड कट है, बहुत एग्रेसिव सरेशन है पिस्टल पे, फ्रंट पर भी और बैक पर भी। फॉर्म स्लाइड को ये रैक करता है, चाहे आप रेयर स्लाइड से चेक करके देखें या फ्रंट सरेशन से चेक करके देखें, बहुत ही स्मूथ सरेशन जो है वो इसका स्लाइड को रैक करता है। और आप ये देखें व्यूअर्स के जो बैरल है, इस पे भी इन्होंने बिल्कुल जैसे कि स्लाइड कट्स दिए हुए हैं, सरेशंस दिए हुए हैं, उसी तरह का डिज़ाइन इन्होंने सरेशंस जो है वो बैरल पे भी दिया हुआ है, ताकि वो पिस्टल के साथ खूबसूरती भी उसकी जो खूबसूरती है उसको और इन्हेंस कर देता है। फिर इसकी जो रेयर साइट है, फुल्ली एडजस्टेबल साइट है, हाइट और विंडेज बोथ अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट। और ये इसकी ऑप्टिक प्लेट है जो रिमूव हो जाती है। और मैं आपको एक चीज और दिखाऊं, जब हम ये ऑप्टिक प्लेट रिमूव करते हैं और दूसरी ऑप्टिक प्लेट लगाते हैं उसकी RMR लगाने के लिए या फटेक के लिए, तो इस पे जो है वो ऑलरेडी इन्होंने एक रेयर साइट दी हुई है, ताकि वो आपके उस जो RMR को विटनेस कर ले। 5 ऑप्टिक प्लेट्स दिए उन्होंने, जिसके अंदर सिर्फ एक में उन्होंने ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, बाकी 4 में नहीं है ये। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह की है, एक ही जो प्लेट है उसके अंदर रेयर साइट उन्होंने दी है। सो व्यूअर्स, स्लाइड पे आप देख रहे हैं काफी कट्स हैं, ये टॉप पे दिया हुआ है कट, ये लेफ्ट साइड पे है, ये इसके राइट साइड पर है, और फ्रंट पे भी आप ये देख रहे हैं कि जो इसका डिजाइन है, ये कट वेट लाइट करने के लिए पिस्टल का इन्होंने काफी कट्स दिए हैं पिस्टल पे। बैरल भी इसका फ्लूटेड बैरल है, ये मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। स्ट्राइकर फायर्ड पिस्टल है ये, यहाँ पर स्ट्राइकर इंडिकेटर है, जो आप पिस्टल को रैक करते हैं, स्लाइड को रैक करते हैं,
तो ये इंडिकेटर आया था जो कि इंडिकेट करता है जी कि आपकी जो पिस्टल है वो लोडेड है। और जब आप ट्रिगर को रिलीज करते हैं, तो ये इंडिकेटर जो है डिसअपेयर हो जाता है। अब हम चलते हैं फ्रेम की तरफ। तो इस पिस्टल का जो फ्रेम है स्टील फ्रेम है आप देख सकते हैं, और पिस्टल के फ्रेम में आप देख सकते हैं कि मिल स्टैंडर्ड 1913 इसकी पिकैटिनी रेल है, जिस पे आप कोई भी लेज़र या टॉर्च आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो इसका जो स्लाइड कैच लिवर है वो एम्बिडेक्सट्रस है, बोथ साइड्स पर है, लेफ्ट पर भी दिया हुआ है और राइट पे भी दिया हुआ है। तो आप कहीं से भी इसको स्लाइड को रिलीज कर सकते हैं, जो भी राइट हैंड यूज़र है या लेफ्ट हैंड यूज़र है तो बोथ साइड से इसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर ये इसका टेक डाउन लिवर है, ये भी एम्बिडेक्सट्रस है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों जगह पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि एक पैड दिया है उन्होंने, पॉलीमर पैड दिया है, जो मैंने फर्दर स्टडी किया तो ये रिकॉइल को रिड्यूस करता है। ये पैड पॉलीमर पैड दिया हुआ है इन्होंने, और जो आपकी थंब की पोजिशन में बिल्कुल आपका थंब रेस्ट करता है और रिकॉइल को जो है वो रिड्यूस करता है। इसका जो फ्रेम है ये फोर्ज स्टील फ्रेम है, और ट्रिगर गार्ड पे भी देखें आप सेरेशंस दी हुई हैं। इसका डिज़ाइन है थोड़ा सा कर्व दिया हुआ है इन्होंने, और हाई यहाँ पे ट्रिगर के नीचे हाई कट है, जो कि आपकी ग्रिप को, जिसकी वजह से आप पिस्टल को इजीली ग्रिप कर सकते हैं। यहाँ पर थंब रेस्ट भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये थंब रेस्ट है। पिस्टल की डिज़ाइन इस तरह से की गई है कि आप जब पिस्टल को होल्ड करते हैं तो वो आपके बिल्कुल ग्रिप में एडजस्ट हो जाता है। ये थंब का रेस्ट है, डबल हैंड अप करते हैं तो ये पैड दिया हुआ है आपको थंब रेस्ट के लिए, और राइट साइड पे भी ये फिंगर आपके रेस्ट करने के लिए पैड दिया हुआ है। बिल्कुल ग्लव्स की तरह पिस्टल आपके हाथ में फिक्स हो जाता है, बहुत ही स्मूथ ग्रिप बनती है। बेसिकली कंपटीशन पिस्टल है और इनको इन्होंने इसी तरह से डिज़ाइन किया है। जब भी इसका वेट है 1185 ग्राम्स का वेट है, तो ये मजल फ्लिप को रिड्यूस करता है, आपकी स्लाइड टारगेट पे रहती है। अब हम ट्रिगर की तरफ चलते हैं, तो ट्रिगर आप देख सकते हैं कैनिक की पिस्टल्स के वैसे ही बहुत फेमस ट्रिगर हैं, और इसका जो प्रेडेसर था राइवल कैनिक राइवल, उसका भी ट्रिगर बहुत अच्छा था। इसके अंदर इन्होंने दिया है 90 डिग्रीज एल्यूमिनियम ट्रिगर है, फ्लैट फेस ट्रिगर पे सेफ्टी पैड है, और उसके बाद जब आप प्रेस करते हैं तो ट्रिगर, वाओ बहुत स्मूथ ट्रिगर है। इसको अभी हम डिवाइस से भी मेजर करते हैं और इसका ट्रिगर पुल वेट चेक करते हैं। फिर इसका जो मैगजीन रिलीज बटन है बहुत ही स्मूथ मैगजीन को रिलीज करता है, और इसके साथ दो बटन आते हैं, आप इसको स्मॉल मीडियम लार्ज जिस तरह से भी आप एडजस्ट करना चाहें, मैगजीन रिलीज बटन को आप उस अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये एम्बिडेक्सट्रस तो नहीं है, लेकिन ये चेंज हो जाती है इसकी साइड, ये जो लेफ्ट साइड से आप इसको राइट साइड पे लगा सकते हैं, एम्बिडेक्सट्रस नहीं है लेकिन ये स्वैपेबल है। फिर जो इसकी व्यूअर्स जो इसकी ग्रिप है वो बहुत ही आला ग्रिप है और बहुत ही स्मूथ ग्रिप है। आप ये देख सकते हैं कि फ्रंट पे भी इधर सेलेक्शन दी हुई है, और जो चेकरिंग है बहुत ही आपकी पाम को स्मूथ होल्ड देता है, और जो ग्रिप है उसका जो टेक्सचर है आप ये देख सकते हैं, इन्होंने एस डिज़ाइन दिया है स्टील का, और दो उसके साथ एडिशनल बैक स्ट्रैप्स हैं, आप अपने पाम साइज के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। पिस्टल की जो फील है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और लग रहा है आप जब इसको हाथ में भी लेते हैं तो मतलब आपको फील आती है कि काफ़ी एक हाई एंड पिस्टल है। और मेरे पास X5 भी है, उसके साथ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये X5 है मेरे पास लेफ्ट हैंड में, और ये राइट हैंड में कैनिक स्टील है, आप देख सकते हैं कि खूबसूरती जो है वो कैनिक की बहुत ज़बरदस्त है। X5 तो खैर वर्ल्ड बेस्ट पिस्टल है, लेकिन कैनिक स्ट्राइकर फायर्ड में जो अभी मैंने इसका ट्रिगर चेक किया है, बहुत ही क्रिस्प ट्रिगर है इसका। कैनिक राइवल का ट्रिगर वैसे भी बहुत अच्छा था,
और मुझे लग रहा है कि ये जो स्टील में ट्रिगर इन्होंने दिया ये और क्रिस्प ट्रिगर है। फर्स्ट पुल है, फर्स्ट पुल के बाद बहुत ही क्रिस्प इसका ब्रेक है। अभी इसको मेजर भी कर लेते हैं। अब हम मैगजीन मैगवेल की तरफ चलते हैं। तो ये इसका मैगवेल इन्होंने दिया हुआ है, आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैगवेल के साथ इसका ये लुक है। मैगजीन जो है वो बहुत इजीली इसके अंदर जाता है। मैगजीन रिलीज जब आप करते हैं तो ये पूरा इसको पुश आउट कर देता है मैगजीन, और जब इसको आप फिक्स करना चाहें तो स्क्रू से आप इसको टाइट कर सकते हैं। मैगवेल के साथ इसका लुक और इन्हेंस हो गया है। मैगजीन भी लगा लेते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, मैगजीन को ये हाइड कर देता है इसका मैगवेल, और एक बहुत ही खूबसूरत सी लुक आ जाती है पिस्टल के ऊपर। विदाउट मैगवेल इस तरह का लुक है, और विद मैगवेल आप देख रहे हैं कि ये इस तरह का लुक आता है। दोनों पिस्टल्स अपनी अपनी जगह पे बहुत ही खूबसूरत हैं। मुझे पर्सनली स्पीकिंग क्रोम ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन जिन लोगों को क्रोम नहीं पसंद वो डार्क साइड भी अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। बोथ पिस्टल्स आर इक्वली गुड। सो व्यूअर्स, अब हम ट्रिगर मेजर करते हैं। फर्स्ट पुल, थ्री पाउंड्स 6 ounces जो फर्स्ट मेजरमेंट है। हम इसकी 3 मेजरमेंट लेंगे। बहुत ही क्रिस्प ट्रिगर है, बहुत ही कंपटीशन पिस्टल के लिए 3 pound का ट्रिगर। और दूसरा जो आया है 3 pound 8 ounces आया है। अब हम थर्ड रीडिंग लेंगे। थ्री पाउंड्स 4 ounces। तो बहुत ही व्यूअर्स इसका कंसिस्टेंट ट्रिगर है। अगर आप देखें तो 3 pounds 4 ounces, 3 pounds 6 ounces और 3 pound 8 ounces। तो बहुत स्मूथ ट्रिगर है इसका। आप जब फर्स्ट पुल लेते हैं कोई क्रीप नहीं है ट्रिगर में, जस्ट अ सिंगल फर्स्ट पुल। उसके बाद बहुत ही क्रिस्प इसकी ब्रेक है। रीसेट देखें, बहुत शॉर्ट रीसेट है, बहुत ही शॉर्ट रीसेट है, और वाओ, सिंपली वाओ, वेरी शॉर्ट रीसेट, अमेजिंग रीसेट और अमेजिंग ब्रेक। सो व्यूअर्स, बहुत ही बेहतरीन पिस्टल है, और आई एम वेरी एक्साइटेड कि इसको जब रेंज पे शूट करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस देखने वाली है। बहुत ही सुपर डिजाइन किया है कैनिक ने इसको, और बहुत डिटेल्स इसकी जो है, इसको डिसअसेंबल भी करके देखते हैं। ये आपने देखा कि इसको मैंने डिसअसेंबल किया है। इसका फ्रेम, इसको क्लोजअप करके मैं आपको दिखाता हूँ। हाई एंड फ्रेम है इसका, बहुत आप देख रहे हैं मशीनिंग बहुत सुपर कूल है, बहुत साफ, सुपर डिजाइन, वेरी क्लीन फ्रेम, और बहुत ही डिटेल्ड इन्होंने इस पे काम किया है। आपको मैं इसका बैरल भी दिखाऊं, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि फ्लूटेड बैरल है इसका। ये देखें, 5 inch बैरल है इसका, और ये बैरल के ऊपर भी इन्होंने सरेशन मैच की है स्लाइड की तरह। अब हम इसको वापस से असेंबल करते हैं।
सो व्यूअर्स, आपने देखा कि इसको हमने डिसअसेंबल भी किया और असेंबल भी किया। इसका बैरल बहुत ही खूबसूरत है, 5 इंच फ्लूटेड बैरल है और पिस्टल पर्सनली स्पीकिंग मुझे बहुत पसंद आई है। चाहे वो उसका डार्क साइड कलर है, ब्लैक जिसको बोलते हैं, आप क्वालिटी देख सकते हैं दोनों पिस्टल्स की, बहुत ही खूबसूरत जो सरेशंस हैं व्यूअर्स, वो वाकई इसके लुक्स को बहुत इन्हेंस कर रही हैं। जो स्लाइड पर कट्स दिए हुए हैं वेट रिड्यूस करने के लिए, जो डिज़ाइन है बहुत डिटेल्ड डिजाइनिंग है पिस्टल के ऊपर। सो व्यूअर्स, लास्ट में अब हम इसकी बात करते हैं प्राइस की। जब ये पिस्टल लॉन्च होने वाली थी तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसकी 5 लाख से ऊपर होगी प्राइस, लेकिन आज जो पीयूएफ ने, वॉ इंडस्ट्रीज ने इसकी जो प्राइसिंग की है, बहुत ही रीजनेबल प्राइसिंग की है, बहुत वैल्यू फॉर मनी है बेसिकली। ये जो इसकी पैकेजिंग है, जो इसके फीचर्स हैं, जो इसका ट्रिगर है, जो इसका अर्गोनॉमिक्स है, तो पिस्टल की जो प्राइस है पीयूएफ ने निकाली है आज, कैनिक स्टील क्रोम में जो प्राइस लॉन्च की है उसकी है 4,48,500, 4,48,500। और जो डार्क साइड है ब्लैक कलर, उसकी जो प्राइस लॉन्च की है वो है 4,26,500, 4,26,500। और दोनों जो वेरिएंट्स हैं वो पीएफ आउटलेट पे अवेलेबल हैं, कराची में लकी स्टार पे अवेलेबल हैं। तो आप जाके अपने चॉइस का वेपन परचेज़ कीजिए। सो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का रिव्यू पसंद आया हो, और अगर रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।